अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोमल है और अपने मोमल अली राजपूत चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, अभी हम तैयार होकर जा रहे हैं अपने रिश्तेदारों के घर। वैसे तो हमारा जो है आना जाना कम ही रहता है, रिश्तेदारों के घर हो या कहीं बाहर, हम घर में ही ज़्यादातर रह जाते हैं। तो आज हम जा रहे हैं अपने रिश्तेदारों के घर, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छे से इन्वाइट कर रहे थे अब्बू को, और अम्मी जो है वो भी कह रही थी चलो चलो। तो आज अम्मी, अब्बू, मैं और कोमल जा रहे हैं फाइनली अपने रिश्तेदारों के घर। जी तो व्यूअर्स, हम पहुंच चुके हैं अपने रिश्तेदारों के घर और यहाँ पर देखें नहर भी है साथ में। हमारे इलाके जैसा ही है बिल्कुल, गांव ये भी, लेकिन है हमारे गांव से बहुत ज़्यादा ही दूर। और यहाँ पर कुछ फासले पर ही उनका घर है। अभी हम पैदल जा रहे हैं क्योंकि ये रास्ता जो है कच्चा है और कच्चा रेत वाला है। हाँ, बहुत ज़्यादा रेतली इलाका है ना यहाँ पर, तो बाइक का चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो अम्मी और अब्बू आगे चले गए हैं, कोमल और मैं जो है वो चल रहे हैं अभी। माशाल्लाह नहर है, हवा चल रही है, ठंडी लग रही है हवा, है ना। मौसम भी आज माशाल्लाह अच्छा बना हुआ है, धूप इतनी तो नहीं है लेकिन मतलब कि हवा बहुत ज़्यादा ही चल रही है। सामने ये देखिए बच्चे नहा रहे हैं और साथ में जानवर भी, ये भैंसे जो है, गर्मी का टाइम है ना इस टाइम। इनका घर के बाहर का व्यू माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है। हमारे घर के बाहर दरिया तो है, दूरी है थोड़ा, लेकिन ये देखिए सामने ही यहाँ पर घर हैं। ये देखिए अम्मी दरख्त के नीचे आकर बैठ गई हैं। कोमल आए अंदर तो चल, चलती हूँ। फूफा बुला रही है और ये यहाँ पर बैठ गई आकर। ये देखिए गहरी है, जिकी है ना, कोई ना, वो ये जड़ी बात है। खड़ा है, देखो खड़ा है बच्चा ये। दिखाओ कितनी, वहाँ दिखाओ खड़े, हाँ इतनी ज़्यादा देखे ही वो नहीं है, ये देख गहरी बिल्कुल भी नहीं है। तो जी अभी जिस जगह पर मैं बैठी हूँ बहुत ही खूबसूरत जगह है। एक तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ये अल्लाह की एक नेमत ही है। देखें नेचुरल जो कुदरती चीज़ें होती हैं ना, वो सबसे लाजवाब होती हैं, है ना। अभी इनका मज़ा ही कुछ अलग होता है, नहर में नहाने का मज़ा कुछ अलग होता है। ट्वेल्व में जो है वो बंद होती है ना, तो उसमें इतना मज़ा नहीं आता है ना। आप बच्चों को देखो, हाँ इधर देखें, ये बच्चे देखें, बच्चे भी नहा रहे हैं और मेरा भी दिल, मेरा भी दिल कर रहा है सच में। ये हमारे फूफू के घर के सामने ही है, पीछे देखें घर नज़र आ रहे होंगे आपको। तो ये उनके घर के सामने ही बिल्कुल मौजूद है। पहले जब हम आते थे ना छोटे होते थे, छोटे हाँ, तब नहाते थे इसमें, अभी थोड़े नहीं। सच्ची बताएं तो हम ज़्यादातर रिश्तेदारों के यहाँ आते जाते नहीं हैं, भाई वगैरह चले जाते हैं, अम्मी जाती हैं, अब्बू, लेकिन कोमल और मैं बिल्कुल भी नहीं जाते कहीं भी। आज हम काफ़ी अरसे के बाद यहाँ पर आए हैं, तो अभी अंदर नहीं गए, यहीं पर बैठ कर जो है अपनी वीडियो शुरू करती है। साथ साथ में ये देखिए सारे बच्चे भी आ गए हैं। तो इन चीज़ों का भी मज़ा लेना चाहिए, जो लोग गांव में नहीं रहते या फिर जो शहर में रहते हैं उनको चाहिए, हंस रहे हैं बच्चे, उनको चाहिए कि वो गांव में आए और नेचुरल चीज़ों का मतलब मज़ा लें। भी कराते हैं अपनी फूफो के घर के जो है बाहर का विज़िट आपको करवाते हैं। माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत माहौल है, देखें हर तरफ जो है सरसब्ज है। और ये छोटी सी ये देखें नहर जा रही है, जिसे हमारी ज़बान में पग्गा कहते हैं। कोमल को देखें, ये देखें कोमल, कोमल इधर देखो क्या कर रही हो, आ रही हूँ। ये देखें मैंगो के पेड़ हैं, काफ़ी बोर हो गई थी मैं भी घर बैठ बैठ कर घर की वीडियो बना बना कर, आज सोचा कि बाहर निकलते हैं। वैसे भी फूफा कब से कह रही थी मोमल कोमल को ज़रूर लेके आना, सरप्राइज भी है आपके लिए। हाँ सरप्राइज दिखाओ, दिखाती हूँ, दिखाओ। हाँ अच्छा चलो इधर से आगे चलो, चलो चलते आप चलो इधर से, चलो मैं आ रही हूँ। तो पैर तो ये निकालो इसमें से, निकालती हूँ। हाँ चलो तो दिखाते हैं आपको कोमल के पेड़ के नीचे। अच्छा कोमल ने कुछ सरप्राइज जो है आप लोगों के लिए रखा हुआ, पता नहीं वो क्या है, लेकिन आपको मैं कुछ दिखाती हूँ। सबसे पहले ये देखें मैंगो जो कि येलो होना स्टार्ट हो गई हैं। क्या नौकर को देखें, हाँ ये देखें डोगी भी बैठा हुआ है, शुक्र है मैं ऐसे मुँह उठा कर चल नहीं दी क्योंकि टांग भी काट लगता है। कमला नीचे। व्यूअर्स, फूफो ने जो है हमारी दावत की है यहाँ पर के आओ, किस लिए दावत की है वो भी आपको बताते हैं। और दावत है क्या, तो फूफो का ये सारा ही बगीचा फूफो का है हमारी, और मैंगो का मौसम है और आपको पता है चिट्टा चौसा तो वैसे ही कमर से के लिए आता है, तो सारा ही चिट्टे चौसे का बगीचा है फूफो का। तो उन्होंने बुलाया कि आओ और अपने हिस्से के जो मैंगो आते हैं वो ले जाओ।
तो अभी कोमल को चढ़ाते हैं ऊपर, वो मैंगो जो है तोड़कर नीचे फेंकेगी और हम उसे जो है चुनेंगे। और यहाँ से क्या ले रही हो? देख रही हूँ ये काट के फेंके हुए ना, जो बड़े दरख्त होते हैं तो वो ज्यादातर ऊपर नहीं चढ़ सकते, तो उनको ना ऊपर से काट कर फेंकते हैं नीचे ताकि मैंगो जो है चुन लेंगे। ये देखें वो इसमें भी पड़े हैं, पड़े हैं हाँ, भूल गए अलग से निकालना है इनमें से। ये देखें ये है चीटा चौसा, इसमें से ना तोड़ो मैं तो कह रही हूँ, ना तोड़े ना तोड़े, चलो दरख्त के ऊपर चलो। हाँ उधर चलते हैं चलो। माशाल्लाह कोमल देखना काफी फल लगा हुआ है। कोमल ये देखे ऊपर चढ़ रही है मैंगो पर, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें अगर ऊपर ना भी चढ़े ना तो यहाँ से भी हम ऐसे ही देखें, ये देखें मेरे हाथ तक ये पहुँच ही जाते हैं। ये देखें मैंगो पर काफ़ी माशाल्लाह घना घना ये देखें लगे हुए हैं। ये देखें कुछ जो है, क्या कह रही हूँ आप, क्या कह रहे हो? मैं कह रही हूँ ऐसा करते हैं यहीं बैठ जाते हैं, यहीं खा लेते हैं अपने हिस्से के, मतलब घर नहीं ले जाते, नहीं ले जाते। देखना कितने अच्छा मौसम बना हुआ है, हवा चल रही है, यहीं पे यहीं से तोड़ते रहेंगे, खाते रहेंगे। हाँ हाँ तोड़ते रहेंगे अभी, मतलब के खाने लायक है तो सही, चिट्टा चौसा है खाने लायक है। हाँ हाँ खाने अभी भी खाया जाए ना काट के तो ये मीठा होगा। हाँ मीठा तो है, मुझे भी पता है मीठा है, लेकिन अभी मतलब ज्यादा नरम नहीं है ना। आप ये क्या कर रही हो? हेलो मसरूफ बंदे, क्या हुआ ये क्या कर रही हो? मैंगो खा रही हूँ। देखना बिना बताए तुम ऊपर वीडियो बना रही थी, मैंने कहा मैंगो खा ली, बना ली। अभी दोपहर का टाइम है और हम खा रहे हैं खाना, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, रखें अपना बहुत सारा ख्याल, खुदा हाफिज़।